कलाकार हैं उनके नाम पर ये चौक बनाया है। ये बहुत ही खुशी की बात है, उसका बहुत मान सम्मान रखना चाहिए। जब जब जीवित रहते हैं तो बहुत बड़े कलाकार हैं, लेकिन उसका इतना समझ नहीं आती है लोगों को, लेकिन उनका नाम पे ही इतना बड़ा एक एक रोड इधर बना है, क्योंकि दादा यहीं पे रहते थे और हम भी यहीं पे आते रहते थे और उनके नाम पे ये बनाया, तो बहुत ही अच्छी बात है। तो दादा का नाम और भी ऊंचा होता रहेगा। फिल्म का तो बहुत सारे गाने हैं, लेकिन मेरे साथ डांस बैले में उन्होंने बहुत इतना काम किया है कि मुझे सब याद है। मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ और ये मेरे लिए बड़ी बात है उनके नाम का चौक बना है, और मैं कोशिश करती हूँ जितना कुछ उनके नाम का कुछ कर सकूँ। मेरे में हैसियत तो नहीं है, परंतु कोशिश करती हूँ और इस कोशिश में मेरा परिवार भी साथ है, तो मैं कोशिश करूँ। और सिर्फ जैन परिवार ही साथ नहीं है, उनके हजारों लाखों करोड़ों चाहने वाले जो हैं, संगीत प्रेमी जो हैं, उन सबकी यही इच्छा है जिसका आज पहला कदम है, और ये तो पहला कदम है, आगे आगे देखिए होता है क्या। मैं अपनी प्यारी भाभी श्रीमती दिव्या जैन की बहुत जितनी भी तारीफ करूं कम है कि दद्दू के जाने के बाद उन्होंने जो हौसला, जो हिम्मत और जो करज दिखाया है, उसी का नतीजा है कि आज बांद्रा में दद्दू के नाम का चौक आया है। दद्दू 40 साल से यही थे, मैं उनको राखी बांधती थी और मैं भी इसी लोकेलिटी में बाजू वाली गली 29th रोड में 60 साल से रहती हूँ, और मेरी खुशी की इंतहा नहीं है। मैं चाहूँगी कि न सिर्फ एक चौक बल्कि हर गली गली में जहाँ उनका संगीत सुना जाता है, गाया जाता है, हर जगह उनकी याद का एक मॉन्यूमेंट हो। बायोपिक के लिए लोगों ने अप्रोच किया था मुझे, परंतु मैंने अभी कहाँ रुक के उनके वो खुद रुक के गए हैं कुछ, वो अभी मैं छापने जा रही है, नेक्स्ट ईयर में आ जाएगी उसके बाद।